हेलो फ्रेंड्स, ऑटो मोबाइल फोन की इस नए वीडियो में आज हम बात करेंगे पल्सर 150 के बारे में, जो कि आप यहां पे देख पा रहे हैं। और रेगुलर में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और सबसे बड़ा जो चेंज है वो आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग था हम लोग का, और डिमांडिंग वो था हमारा ABS कि ABS कब आएगा, 150 में कब आएगा। तो ABS आपका आ चुका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ABS आपको मिल जाता है। तो आप ABS और साथ में डिस्क ब्रेक, और डिस्क ब्रेक का जो MM है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कितने MM का डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। और साथ में अगर हम पीछे में देखें तो पीछे में आप देख सकते हैं, और ये जो पैनल है ये RLP का पैनल है, जिससे आपका पीछे का व्हील जो है ज़मीन पकड़े रहता है। जब आप हार्ड ब्रेक यूज़ करते हैं तो भी आपका ज़मीन को पकड़े रहता है, और सेंस भी करता है आपके स्पीड को, कि आपका जो स्पीड है उसको भी सेंस करता है। वो बहुत सारे काम करता है जिसको हम एक वीडियो में अलग से बताएंगे कि RLP टेक्नोलॉजी क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है। बाय द वे, इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं वो आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बड़ा जो हमारा चेंज है वो हमारा ABS पैनल ही है, और साथ में हमें कुछ इस तरह की गाड़ी देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। टैंक पे स्टिकरिंग जो डिज़ाइन आप देख सकते हैं, पल्सर जो 3D में लिखा हुआ है, तो 3D में ये पल्सर आप दिखा हुआ देख सकते हैं किस तरह से लग रहा है। साथ ही साथ अगर हम पीछे 150 का आपको दिखाएं, तो 150 यहाँ पे हालांकि 3D नहीं मिलता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको देखने में लगता है। तो मैं इसका वॉकराउंड रिव्यू कर रहा हूँ, हो सकता है बहुत जल्द मैं आपको इसको ऑन ड्राइव करके भी बताऊँ कि किस तरह का आपको पल्सर। वैसे पल्सर का तो काफ़ी पुराना हो चुकी है आज के डेट में, ये इसका बजाज का सबसे अच्छा मार्केट है। अगर किसी का मार्केट है किसी बाइक का, तो बजाज के पल्सर का सबसे अच्छा मार्केट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और सबसे ज़्यादा सेलिंग बाइक है बजाज की। और अभी 15 साल के आसपास इसका पूरा होने वाला है, या 15 साल प्लस हो चुका है। एक्चुअल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसका टाइम, कितने ईयर्स हो चुकी हैं पल्सर्स की, जो कि आपके पहले सर्कल हेडलाइट्स में मिलती थी। और हाल ही मैंने एक पल्सर का जो है रिव्यू किया था, 11 साल पुरानी पल्सर का, और मुझे बहुत अच्छा मुझे लगा कि 11 साल पुरानी वो पल्सर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलेगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जब इस वीडियो ख़त्म होने जाएगा उस समय आपको मिलेगा। अब हम दिखाते हैं इसका हेडलाइट कैसा परफॉर्म करता है, और थोड़ा सा डिफरेंस हम आपको दिखाएँगे इस पल्सर से, जो कि आपको ट्विन डिस्क वाली है और ये सिंगल डिस्क वाली है। तो अब दिखाएँगे हम इसका, आपको थोड़ी देर बाद मैं दिखाऊँगा इस दोनों में डिफरेंस। अभी आप लाइट देख लीजिए किस तरह की मिलती है। तो इसको थोड़ा इसका हेडलाइट दिखाइए मुझे, हेडलाइट ऑन करके। और इसके साथ साथ आपका साउंड सुनना भी बनता है कि इसका साउंड कैसा आता है। तो पल्सर का मैं आपको साउंड दिखाता हूँ, थोड़ा सा एक्सलेट कीजिए इसको, थोड़ा सा ये एक्सलेट एक्सलेट रेव रेव रेव। तो इस तरह का कुछ साउंड आपको देखने को मिलता है, बंद कर दीजिए। ये हो गई पल्सर की, अगर आप इस साइड से देखिएगा तो यहाँ पे आपको आगे पीछे दोनों तरफ से आपको गियर चेंज करने को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के चैन कवर्ड मिलते हैं। सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि चैन कवर्ड होना चाहिए, खासकर जब लेडीज़ बैठती हैं हमारे घर में, तो उन्हें उनकी साड़ी, मतलब उन्हें प्रॉब्लम ना हो, चैन में वो फंस ना जाए, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर बच्चे बैठते हैं तो उनका जब पैर यहाँ पे लटकता है, जब बीच में बैठते हैं तो उनके पैर को भी प्रोटेक्शन मिलती है। साथ में ये भी दिया गया है ताकि वो उनका कोई भी यहाँ पे जब पैर रखता है तो उसका पैर अंदर की, मतलब इस तरह से प्रोटेक्ट हो। साथ में आप यहाँ पर एडजस्टेबल आपको मिल जाता है, शॉक एब्जॉर्बर्स, फ्रंट में देखा जाए तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बाइक अपने आप में तो एक अच्छी खूबी रखती हैं। तो इसका 100 रूम प्राइस में बताऊँ तो आपको 85,997 के आसपास आपको मिलता है, तो लगभग 86,000 रुपीज़ आपको 100 रूम प्राइस पटना का आता है। ऑन रोड प्राइस 1,18,000 रुपये लगभग ये पटना में आपको मिल जाती है, अगर आप पटना में इसको ख़रीदना चाहते हैं। अभी GSV बजाज में हूँ, तो यहाँ का आपको एड्रेस जो है वो ट्रांसपोर्ट नगर गेट नंबर 2 के सामने किसान निकेतन के बगल में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। अब हम डिफरेंस थोड़ा सा दिखाते हैं आपको पल्सर, इस पल्सर में और इस पल्सर में क्या डिफरेंस है। तो पहले मैं प्राइस बताता हूँ कि प्राइस क्या है। तो प्राइस वाइज अगर देखा जाए तो मात्र 4,000 रुपये के आसपास आपको डिफरेंस मिलेगा ऑन रोड प्राइस में। वो आपको मिलती है 1,02,000 रुपये में, ये मिलती है आपको 1,05,000 रुपये, 5,300 रुपये में। तो लगभग 4,000 रुपये का डिफरेंस है, लेकिन उस डिफरेंस में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं
और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ये पल्सर अगर आपने लेने का मूड बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पल्सर में क्या थोड़ा सा चेंजेस है, तो ये पल्सर बिल्कुल आपको जो 220 से कॉपी की हुई लगती है मुझे, और उस पर बेस्ड है, तो आपको 220 का मज़ा 150 सीसी में अगर चाहिए तो बहुत लोग बोल रहे थे कि 220 का जो आगे का जो फ्रेमिंग है वो मुझे क्या 120 में आएगा, तो मेरा क्वेश्चन है कि वो चीज़ तो आएगा या नहीं आएगा वो बजाज को पता होगा, लेकिन आपको अगर वो सिर्फ फ्रेम चाहिए, जैसे कि ये फ्रेम जो आपको ये इसके बारे में आप लोग बहुत क्वेश्चन कर रहे थे कि ये फ्रेम क्या 150 का आएगा, तो मेरा क्वेश्चन वही है कि आंसर वही है कि अभी आएगा कि नहीं आएगा नहीं पता है मुझे, लेकिन आपको अगर सेम टायर विड्थ या फिर हैंडलिंग वाइज या फिर चलाने वाइज सेम फीलिंग चाहिए, सिर्फ पावर का थोड़ा सा 220 ना होके 150 का चाहिए, तो ये बाइक आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। तो उस बाइक में इस बाइक में क्या डिफरेंस है सीधा सीधी जल्दी जल्दी दिखाता हूँ। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे देख पा रहे हैं अंतर मिला, ये काफ़ी चौड़ा है, इसका फ्रिक्शन को काफ़ी कम करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ अंदर मैकेनिज्म बनाया गया है साथ साथ में, तो ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई हमारा टायर का वेट, यहाँ पे आपके MRF के 1800x17 इंचेस के आपको यहाँ पे टायर मिल जाते हैं। अगर उसकी बात हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको जो टायर मिल जाते हैं वो 1990x17 इंचेस के, थोड़े से आपको चौड़े टायर थोड़े से ज़्यादा ग्रिपी टायर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो जो आप हाई स्पीड्स में होइएगा ब्रेकिंग सिचुएशंस में आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। तीसरी चीज़ है यहाँ पे आपका जो ये देख पा रहे हैं इसमें आपको किसी तरह के कट्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पे ये इसका चौड़ाई ज़्यादा है क्योंकि टायर का चौड़ाई विड्थ ज़्यादा है, तो ये भी चौड़ाई ज़्यादा है और ये आप देख पा रहे हैं, तो ये तीसरी चेंजेस हो गई। चौथी चेंजेस हमारी जो मिल जाती है यहाँ पे वो हल्का हल्का स्टिकरिंग में मिल जाती है, स्टिकरिंग आप इसका देख लीजिए, इस पर देख लीजिए स्टिकरिंग, ये चेंजेस मिल गई। अब इसके पीछे अगर हम जाते हैं तो सबसे बड़ा मुझे चेंजेस लगता है, जैसे कि मैंने आपको इसमें दिखाया कि गियर आगे पीछे से चेंज करने वाला है, इसमें सिंगल साइड गियर शिफ्टर दिया गया है आगे, तो ये चेंजेस एक बहुत बड़ा चेंजेस है। उससे आगे बढ़ते हैं स्प्लिट सीट, ये जो सीट है आपको यहाँ पे सिंगल सीट मिल जाती है, यहाँ पे जो आप देखिएगा तो स्प्लिट सीट मिल जाता है। उसके थोड़ा और पीछे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको जो टायर्स मिल जाते हैं वो 120x80 के आपको 17 इंच के टायर मिल जाते हैं 120, देखिए यहाँ पे ध्यान से, और यहाँ पे जब आप बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको उससे कम चौड़े आपको ये टायर मिलते हैं, यहाँ पे मिल जाते हैं 190। तो ऊपर से अब जो एग्जॉस्ट है उस पर यहाँ पे आपको फाइबर मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे स्टील मिल जाता है क्रोम फिनिश के साथ, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और बाकी यहाँ पे आपको डुअल डिस्क मिल जाता है, यहाँ पे आपको सिंगल डिस्क मिलता है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये सारे चेंजेस है प्लस जो ब्रांड फील है, यहाँ पे आपको 220 जैसा ब्रांड फील इस तरह से देखने को मिलता है। पीछे का ग्रैब हैंडल, यहाँ पे आपको इस तरह का ग्रैब हैंडल आपको 150 नॉर्मल की तरह मिलेगा। तो ये सारे डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं जब आप गाड़ी में चेंजेस करते हैं। लाइट वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने इसे ऑफ कर दिया, अभी ऑन करते हैं तो कुछ इस तरह का आपको लाइट यहाँ देखने को मिल जाता है। ABS का यहाँ पे आपको सिंबल देखने को मिल जाएगा, ये हो गया। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जब ऑन करेंगे तो यहाँ पे लाइट का जो कलर है वो चेंज है, लेकिन बाकी सभी चीज़ें हमें सेम देखने को मिल जाती है। सेम 15 लीटर का आपको टैंक मिल जाता है। अगर पल्सर लिखा हुआ इसका कुछ ब्राइट सिल्वर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसका थोड़ा कम ब्राइट सिल्वर है, लेकिन वो इस तरह में थोड़ा सा आपको ब्लैक बॉर्डर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ब्लैक बॉर्डर्स। तो ये डिफरेंस और यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको की के स्टार्ट में जो फैसिलिटी आपको जो है इस तरह से क्रोम फिनिश यहाँ पे देखने को मिलती है सेम वही है। तो अगर आप 4000 के डिफरेंस में यहाँ पे आपको बस की के स्टार्ट एक नहीं मिलता है, बाकी इधर जाके जो क्रोम फिनिश है, ब्रेक लीवर्स हैं, वो भी आपको उसमें एक कन्वेंशनल नॉर्मल टाइप मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ मिलता है, और जो पैर रखने वाला उसका भी हाइट यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलता है देखने को उसके मुकाबले। तो ये भी यहाँ पे एक चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इस पल्सर और इस पल्सर में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो दोनों में से जो पसंद हो आपको वो पल्सर आप ले सकते हैं, और आपके मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से एक लाइट फोकस में दिया गया है क्योंकि सेम चीज़ आपको यहाँ भी देखने को मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स क्वालिटी अदरवाइज सेम है, लेकिन जो मेजर डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको दिखाया। तो 4000 के डिफरेंस में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लेने हैं पल्सर में 150 सीसी सेम इंजन के साथ, दोनों में सेम इंजन लगा हुआ है, थोड़ा सा आपको जो है बस किक फैसिलिटी आपको इसमें नहीं मिलती है, बाकी सब कुछ सेम है, तो आप इस बाइक को भी परचेज़ कर सकते हैं।
और इस बाइक को भी जो मैं पीछे बताया मैंने ट्विन डिस्क, इसको भी परचेज़ कर सकते हैं। तो एड्रेस मैंने वही बताया आपको, ट्रांसपोर्ट नगर कृष्णा निकेतन बगल में, GSP बजाज। एड्रेस आपके सामने दिख रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर दोनों पे आप कॉल कर सकते हैं, जिस पे आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, फाइनेंस की भी सुविधा का जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।